गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिए थे, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। 225 टॉफ़ीज कैन बी पैक्ड इन वन पैकेट। एक पैकेट में 225 टॉफ़ीज जो है वो पैक हो सकती हैं। हाउ मैनी टॉफ़ीज कैन बी पैक्ड इन 45 सच पैकेट्स। तो 45 पैकेट्स में कितनी टॉफ़ी पैक होंगी। जैसे हम इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लिया एक पैकेट में दो टॉफ़ी पैक होती है तो 5 पैकेट में कितनी होंगी। हर किसी के में 2 होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 5 पैकेट्स में 10। 5 को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। एज इट इज़ यहाँ पे भी वन पैकेट में कितनी टॉफ़ीज़ है, 225। तो 45 पैकेट्स में कितनी टॉफ़ी पैक होगी, इसको इससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा है टॉफ़ीज़ कैन बी पैक्ड इन वन पैकेट, वन पैकेट में टॉफ़ीज़ पैक हो सकती है 225। नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ कैन बी पैक्ड इन 45 सच पैकेट्स। तो 45 पैकेट्स में टॉफ़ीज़ पैक होंगी, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था इससे लास्ट क्लास में, 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी लगी, 5 2 जो 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 2 जो 10 और 1 11 मल्टीप्लाई, 4 5 जो 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 4 2 जो 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 का 0, 1 कैरी, 4 2 जो 8 और 1 9। उसके बाद इसका क्या करेंगे, एडिशन, 5 का 5 2 और इसको ऐड करा 1 और 9 और 1 10, मतलब ये कितना आ गया 10,125 टॉफ़ीज़ जो है वो क्या होंगी, पैक होंगी। कितने पैकेट्स में, 45 पैकेट्स में टॉफ़ीज़, ये आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन RVM स्कूल टाडा देयर आर 165 स्टूडेंट्स। ये जगह का नाम है, ये कह रहा है एक RVM स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 165 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में। अ बेस्ट आवर हैज़ डोनेटेड, बेस्ट आवर मतलब होता है जो दानदाता होता है, जो डोनेट वगैरह करता रहता है, दान करता है उसे बोलते हैं। हैज़ डोनेटेड ₹550 पर स्टूडेंट फॉर यूनिफॉर्म। एक दान करने वाले बेस्ट आवर ने डोनेट किए ₹550 एक एक स्टूडेंट के लिए, उसकी यूनिफॉर्म के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मतलब उनकी यूनिफॉर्म के लिए, हर स्टूडेंट के लिए उन्होंने ₹550 क्या किए, डोनेट किए। हाउ मच मनी हैज़ ही डोनेटेड, तो उसने टोटल कितनी मनी डोनेट की हमको ये बताना है। तो यहाँ पर मान लो अगर किसी स्कूल क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, पर स्टूडेंट को 10 रुपीज़ देते हैं, तो टोटल रुपीज़ कितने देने पड़ेंगे, देने वाले को 100 रुपीज़, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 100। एज इट इज़ यहाँ पर 165 स्टूडेंट है, जिसने डोनेट किए उसने 550 रुपीज़ जो है पर स्टूडेंट, मतलब एक एक स्टूडेंट के लिए दिए, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं, 165। अ बेस्ट ओवर हैज़ डोनेटेड रुपीज़ फॉर स्टूडेंट फॉर यूनिफॉर्म इज़ इक्वल टू 550 रुपीज़। देन मनी हैज़ ही डोनेटेड, तो उसे कितनी मनी डोनेट करनी पड़ेगी, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी, 5 5 जो 25 और 2 कितने हो गए 27 मल्टीप्लाई, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 6 5 जो 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 5 जो 30 और 3 कितने हो गए 33 मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 1 को 5 से किया 5, 1 को 5 से किया 5। अब क्या करेंगे, ऐड, 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, 90,750 जो है रुपीज़ उसे क्या करने पड़े, डोनेट करने पड़ेंगे। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। सेम ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और रिवाइज़ करने हैं। थैंक यू।